पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सुपरस्टार के बारे में यूं तो बहुत बातें मशहूर रही हैं, लेकिन कुछ बातें जरा छिपी रहती हैं। जाने माने संगीतकार लेजेंडरी खय्याम साहब, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये अपने घर से भाग कर आए थे। मामला था एक्टिंग का, ये एक्टर बनना चाहते थे। भाग कर अपनी दादी के घर ही पहुंचे थे और तब इनके चाचा जान ने इनकी पिटाई भी की थी और उसके बाद इनकी संगीत की शिक्षा शुरू हुई, क्योंकि उस जमाने में केएल सहगल का बड़ा दबदबा था। हर नया कलाकार दरअसल केएल सहगल बनना चाहता था, इसलिए गायकी बेहद जरूरी थी। खय्याम साहब ने बहुत संघर्ष किया। एक वक्त तो ऐसा आया जब लग रहा था कि बतौर प्लेबैक सिंगर कमाल का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन्होंने गाना रिकॉर्ड जरूर किया और उसके बाद भूख की वजह से ये बीच सड़क पर बेहोश हो गए थे। इनकी तबीयत बहुत खराब हुई और फिर ये गायकी की दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर आ गए। खय्याम साहब ने जाते जाते अपनी सारी जायदाद दान कर दी। खय्याम साहब का एक बेटा था प्रदीप, जो इनके और इनकी वाइफ के गुजरने से पहले ही ये दुनिया छोड़ चल बसा था। ऐसी और कुछ बड़ी हैरत अंगेज बातें जाने माने कलाकारों के बारे में आने वाले सेगमेंट्स में। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।